आज की हमारी जो कुंडली है वो है कुंभ लग्न की और वृषभ राशि की। तो इस पे जो व्याख्यान है वो आप शुरू कीजिए दीपा जी। तो इसके लग्न का स्वामी है शनि और ये कुंभ लग्न की राशि है और राहु इसके लग्न में है, तो इसका इस नेटिव का नेचर होगा कि बिजनेस माइंडेड तो होगा लेकिन दिमाग में ये रहता होगा कि अब ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। बहुत स्मार्ट होगा, बात करने में बोलता कुछ होगा और मन में कुछ और होगा और बहुत एग्रेसिव नेचर का भी होगा बिकॉज साथ में एग्रेसिव मंगल एग्रेसिव। एग्रेसिव क्यों कहा आपने, उसका कारण क्या है? क्योंकि साथ में मंगल भी देखता है दूसरे घर को, इसलिए मंगल तो दूसरे घर में बैठे ही हुए हैं। तो इस पे इफेक्ट नहीं करता फर्स्ट हाउस पे, दूसरे हाउस को देखता है तो। दूसरे हाउस को मंगल तो देख ही नहीं रहे, वो तो दूसरे हाउस में ही बैठे हुए हैं। राहु अगर मंगल को देखता है तो राहु मंगल को नहीं देखेंगे, राहु केतु को ही देखेंगे, और किसी के ऊपर उनकी दृष्टि नहीं है। ओके और आई एम ऑन रॉन्ग कोई बात नहीं, ट्रैक। आप अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, ऐसे ही सीखते हैं लोग। आप अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। थैंक यू। और उसको इनको रहेगा कि मैं अभी कुछ काम छोड़ेंगे तो मैं अभी ये भी मुझे चाहिए और ये भी कुछ काम करेंगे तो उसमें ये भी रहेगा कि मैं अभी ये भी इसमें कर लूं, इसमें ये भी अचीव कर लूं, कुछ ना कुछ उसको दिमाग में चलता रहेगा। ही कुडंट बी एक दिमाग में उसकी शांति नहीं होगी कि सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैंने ये कर लिया तो दिस इज गुड फॉर मी। सेकेंड हाउस पे आते हैं तो मंगल आता है तो थोड़ा सा वॉइस थोड़ी कड़क वाणी के होंगे और नॉन वेज खाने एक वाले। नमिता जी मेरे को एक बात बताइए, इनका कोई विदेश से या हॉस्पिटल से या चैरिटेबल सोसाइटीज से या मल्टीनेशनल कंपनीज से किसी तरह का संबंध है इन व्यक्ति का, जिनका ये आपने विवरण दिया है? चैट बॉक्स में हाँ या ना के माध्यम से बता सकते हैं आप, और आप माइक पे बोलना चाहें तो माइक से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि ये चैट बॉक्स में तो आप लोग भी देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि ये विदेश में ही है। इसके पीछे कारण क्या है, या तो कैसे देखना चाहिए, दीपा जी बताइए, क्यों बोला मैंने ये? क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में सन आ रहा है और इसलिए वो अगर हम एट हाउस से देखते हैं ट्वेल्थ को तो वो विदेश का सॉरी नाइन्थ हाउस से अगर देख जुपिटर है और ट्वेल्थ को देखते हैं तो विदेश का योग दिखाता है। 12वें में सूर्य होने से तो खैर कभी कोई विदेश का संबंध नहीं बनता। अच्छा इसके पीछे दो कारण है जिसके पीछे कहा ये विदेश से कोई संबंध होना चाहिए, या आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मैंने तीन चार बातें बोली थी। विदेश से संबंध होना चाहिए नंबर एक, या कोई हॉस्पिटल सर्विसेज से संबंध होना चाहिए, एमएनसी से संबंध होना चाहिए, या जो चैरिटेबल सोसाइटीज होती हैं उनसे संबंध होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि इनका जो जन्म है वो शुक्ल द्वादशी तिथि को हुआ है, ठीक है? तो द्वादशी का अर्थ क्या हुआ, 12वें स्थान पे शासन करने वाली, ठीक है? शुक्ल द्वादशी 12th तिथि, तो कहीं ना कहीं जिनका द्वादशी तिथि को जन्म होता है ऐसे लोगों का संबंध किसी ना किसी प्रकार से या तो विदेश प्रदेश से बनता है, या हॉस्पिटल
से संबंधित चीजों से बन जाता है, अस्पताल से संबंधित चीजों से, या फिर जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, चैरिटेबल सोसाइटीज, मोक्ष परोपार परोपकार बोला ना इसी स्थान को, तो उनसे भी कई बार इन लोगों का संबंध बनते देखा गया है। तो इस कारण से ये तीन चीजों के बारे में आ रहा है। दूसरी बात, यदि और भी ध्यान से देखें तो ऐसा देखा गया है, यदि 12वें स्थान का स्वामी इस स्थान का स्वामी इस स्थान से संबंध बनाए, ठीक है, 12वें स्थान का स्वामी, एक सेकंड, यदि 12वें स्थान का स्वामी चौथे से संबंध बनाए या चौथे स्थान का स्वामी 12वें से संबंध बनाए, तो कई बार ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेश से संबंध बनाता है। तो यहाँ चौथे स्थान के भीतर क्या राशि है? चौथे स्थान के भीतर राशि है हमारी वृषभ। तो ऋषभ के स्वामी हुए शुक्र, और शुक्र जन्म पत्रिका में 12वें स्थान में ही बैठा है। एक अलग बात है कि इनका जो लग्न है वो 25 अंश का है और शुक्र 2 अंश के हैं, तो खिसक के 11वें में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो जब वो 11वें में चले जाते हैं तो उसकी व्याख्या थोड़ी अलग है, जब उसके बारे में करेंगे तो वो भी बताएंगे। लेकिन यहाँ जो पहली बार में कहा कि इनका कोई ना कोई संबंध भारत भूमि से, यदि इनका जन्म भारत में हुआ है तो यहाँ से बाहर होना चाहिए, तो उसके पीछे अर्थ क्या है? शुक्ल द्वादशी। जब तक आप पंचांग को पढ़ना नहीं सीखेंगे, जब तक थोड़ा सा वो आएगी। खैर, अभी जिन्होंने पंचांग के बारे में, जिनकी जानकारियां थोड़ी कम है, तो उससे कोई चिंता मत कीजिएगा। जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ेंगी, आप लोगों को पंचांग पूरे तरीके से सिखा दिया जाएगा। तो ये इसका वो है। दूसरी बात, इसके भीतर एक और योग देखने को मिला है कि जिस तरह की, वैसे तो ये कुंडली कुंभ लगन की है, तो कुंभ लगन में ये देखा जाता है कि ये थोड़े से अंतर्मुखी लोग होते हैं और दार्शनिक विचारों के होते हैं, फिलोसफिकल नेचर, हर चीज के भीतर उसकी व्याख्या कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। जो संसार के भीतर सबसे बड़ी विद्या विद्याओं में आता है उसको दर्शन शास्त्री कहते हैं। यदि आप कुछ भी पढ़ लेंगे तो अंत में जाके जब कोई भी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो पीएचडी की डिग्री होती है, जिसको डॉक्टरेट कहा जाता है। तो पीएचडी की डिग्री का यदि आप देखें तो वो है क्या? वो मूलतः फिलोसफिकल डिग्रीज है। मतलब आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जब उसका गूढ़ रहस्य खोलने लग जाते हैं तो वही पीएचडी कहलाता है। जब उसके अर्थ से भिन्न होके कुछ और भी ढूंढने लग जाते हैं तो वो ही पीएचडी कहलाता है, मास्टर ऑफ फिलोसफी वो, ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी के बारे में पीएचडी की डिग्री बताता है। तो जो कुंभ लगन है वो दर्शन शास्त्र के बारे में बताता है। ऐसे लोग थोड़े से फिलोसफिकल नेचर के होते हैं, आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, और वो व्याख्याओं को, चीजों की व्याख्याओं को बहुत ही उस तरीके से कर सकते हैं जैसे आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी इनका जो जन्म है वो रविवार के दिन हुआ है, ठीक है। तो रविवार का जन्म क्या कहलाता है कि ऐसे लोगों को, जैसे मैं पूछ ही लेता हूँ, चैट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे वो, कि क्या इन लोगों को जो गेट टुगेदर होती है, फंक्शंस होते हैं, या किसी से जो मिलना मिलाना होता है, या ऐसी वस्तुएं जो वैभव प्रदान करती हैं, जैसे कि उसमें अच्छी अच्छी घड़ी भी हो सकती है, अच्छा मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी। तो जिनका जन्म रविवार को हुआ है तो उसमें एक योग देखने को मिला है कि इनको उत्सव प्रियता और वैभवशाली वस्तुओं से इनका जुड़ाव लगा रहता है, और इनकी जो स्वभाव होता है, इनका जो स्वभाव होता है थोड़ा सा राजसी स्वभाव होता है और अपने पूर्वजों से मिला हुआ होता है, सूर्य पितृ को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं अपने जो फोर फादर्स होते हैं उनसे इनकी टेंडेंसीज, इनके
चाल चलन तौर तरीके बहुत मिलते हैं, उत्सव प्रियता बनी रहती है इनके भीतर। उत्सव प्रियता का अर्थ होता है कि घर के अंदर कोई फंक्शन हो तो उसमें पता चार लोग इकट्ठे हों, या मेरे पास ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए जिससे कि लोगों को पता लगे कि ये व्यक्ति तो अपने आप में संभ्रांत है, संपन्न है, संपन्नशाली है। यद्यपि कुंभ लगन के भीतर ये योग देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी रविवार का जन ये सब चीजें बताता है। तो उन्होंने यस बताया चैट बॉक्स के माध्यम से। तो क्या ये सारी ही चीजें इसी प्रकार से देखने को मिली जैसे मैंने कहा रविवार के जन्म में, या इसमें से केवल कुछ ही मिली है वो बताएंगे आप? दीपा जी आप कंटिन्यू रखिए। सेकेंड हाउस में मार्स है, तो सेकेंड हाउस होता है खाने का, बोली का, तो थोड़ा सा एंग्री एंगर थोड़ा सा गुस्सा आता होगा उनको किसी बात में अगर जल्दी से रूठ जाते होंगे, और नॉन वेज खाने वाले होंगे, और गाड़ियाँ सब होंगी बिकॉज इट्स मार्स रिलेटेड टू व्हीकल टू। दैट्स ऑल आई कैन सी इन दैट। अगर उसके बाद कोई गलती इसमें तो पता नहीं। गुस्सा आप बार बार जो मार्स से जोड़ रहे हैं ना, गुस्सा जो होता है, क्रोध जो होता है, वो नेचर के अंदर होता है, व्यक्ति के स्वभाव में होता है। और स्वभाव देखने के लिए एक देखना चाहिए चंद्रमा और दूसरा देखना चाहिए लग्न। ठीक है, लग्न में तो मंगल खिसक के जाते हैं, तो वहां से तो लगता है एक बार के लिए थोड़ा व्यक्ति ऊर्जावान होता है, आक्रामक होता है, कई बार थोड़ा गुस्से वाला भी होता है। दूसरे स्थान में यदि मंगल, क्यों? क्योंकि क्या है, लग्न है हमारा 25 डिग्री का और मंगल है हमारा 1 डिग्री का। तो जो भी लग्न के अंश हों, जैसे मान लीजिए यदि एक अंश का लग्न होता तो इसमें 15 जोड़ देते। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 16। ठीक है, तो जो ग्रह 16 डिग्री से ऊपर के होते वो खिसक के आगे चले जाते, अगले हाउसेज में होते। लेकिन लगन यदि 15 डिग्री से ऊपर का है तो ये 25 डिग्री का है, तो 25 माइनस 15 तो आए 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से जितने भी कम अंशों के ग्रह हैं, जैसे मंगल है, वो यहां भी बताएगा अपनी स्थिति, शनि अपनी स्थिति यहां भी बताएगा। ठीक है, और सूर्य अपनी स्थिति यहां, ये तो इनके बहुत सारे ग्रह जो हैं वो अपनी स्थिति अपने से पिछले भाव में भी बताएंगे। तो ऐसी जन्म पत्रिकाओं में बहुत जो भविष्य कथन है वो बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि तो कई बार क्या होगा कि आप जिस भविष्य कथन के बारे में, जो आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन है, उसके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं तो उससे अंतर नजर आएगा। जैसे इसमें मंगल यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन ये लग्न में भी है, यहाँ मंगल के परिणाम बिल्कुल भिन्न है और लग्न में जो मंगल है उसके परिणाम बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, यदि यहाँ मंगल है तो जातक थोड़ा ओजपूर्ण वक्ता होना चाहिए, अर्थात वो जब अपनी बात कहे तो बड़ा फोर्सफुली, शक्तिशाली तरीके से बोला जाता है। दूसरे स्थान में यदि मंगल है तो कई बार दांतों में पायरिडेंटिट प्रॉब्लम होती है, कभी कभी देखा गया है मसूड़ों में जल्दी कटन छिलन हो जाती है। कई बार ये भी देखा गया है मंगल यदि दूसरे स्थान में है तो आंखों के आसपास, चेहरे के आसपास, ठीक है, जबड़े के आसपास कहीं कट के निशान भी देखे गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये व्यक्ति बोलने में बड़ा प्रखर होता है, मतलब ऐसी बात बोल सकता है जो व्यक्ति उससे, जैसे पिछली भी एक कक्षा में कहा था कि दूसरे स्थान में यदि मंगल है तो ओजपूर्ण वक्ता होता है, मतलब इसकी बातों में ऐसा प्रभाव होता है कि लोग सार गर्भित होकर इसको सुनते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो मंगल इसमें दूसरे स्थान में भी है और लग्न में भी है, दोनों के परिणाम मिला जुला के निकालने चाहिए। और विशेषकर जहां पे चलित कुंडली के अंदर ग्रह आगे से पीछे खिसकते हैं, उनमें बहुत सावधानी से भविष्य कथन को प्रयोग करना चाहिए।
तो दूसरे स्थान से क्रोध नहीं आता कभी भी, क्रोध आता है लग्न से और क्रोध आता है चंद्रमा पे पड़ने वाले प्रभाव से। क्यों? चंद्रमा मानसिक स्थिति को बताता है, इसीलिए चंद्रमा पे यदि मंगल की दृष्टि होगी तो व्यक्ति इंपल्सिव, शीघ्र शीघ्र क्रोधी, जल्दी उसको क्रोध आता है। और यदि लग्न पे होगी तो भी यही स्थिति होती है, क्योंकि मन या मस्तिष्क भी तो शरीर के अंदर ही है। तो इसी कारण से जब भी मंगल को दूसरे स्थान में देखें तो ओजपूर्ण वक्ता तो जरूर बोलना चाहिए, मतलब ऐसा बहुत एनर्जेटिक होके बोलने वाला है, लेकिन उससे गुस्से वाला नहीं बोलते कभी भी। ठीक है दीपा जी? ओके जी, समझी, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, आपने आपको अगर सुधारेंगे नहीं तो फिर ठीक कैसे होगा? थर्ड हाउस पे अगर देखते हैं तो सिबलिंग्स का है, तो आई डोंट नो, अगर शनि है तो शायद इतनी नहीं बनती होगी सिबलिंग से कम्युनिकेशन। तीसरे तीसरे स्थान में शनि होने से ना, तीसरे स्थान में शनि होने से जो देखने को मिला है वही इसमें बड़े सावधानी से देखना चाहिए। शनि इसमें तीसरे स्थान में भी हैं और शनि इसमें खिसक के दूसरे स्थान में भी जा रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि शनि यदि तीसरे स्थान में है तो इन लोगों का बड़ा भाई नहीं होता है, बड़ी बहन हो सकती है, बड़ा भाई नहीं होता। एक दूसरी बात, यदि बड़ा भाई होगा तो उससे सहयोग नहीं मिलता है। दो, ठीक है, और बड़ी बहन होती है तो उससे कोई दिक्कतें नहीं देखने को मिली। तो तीसरे स्थान में बैठा हुआ शनि व्यक्ति के लिए, ये शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई ना हो, अग्रज ना हो, उसकी कोई बड़ी बहन हो सकती है। यदि बड़ा भाई है तो उससे सहयोग में बहुत ज्यादा प्राप्तियां नहीं होती। वो चैट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे। आपने कहा तीसरे स्थान में शनि, आपने क्या इसकी व्याख्या करी, इंटरप्रिटेशन क्या किया आपने इसका? कि अगर सिबलिंग्स होगी तो शायद बनती इतनी नहीं होगी। हाँ, ये आपने ठीक बोला है। इसमें उसका कारण क्या है कि शनि यहाँ देखे तो अपनी नीच राशि में है, ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा योग नहीं होता। या तो इनकी उनसे कम बनती हो या स्थितियां ऐसी हो कि कारणवश कहीं दूर रहते हो। उन्होंने बताया कि बड़े भाई से कोई सहयोग नहीं है इसमें, ठीक है। तो दोनों ही बातें लगी कि एक तो सिबलिंग्स से इतनी अच्छे वो नहीं है, मतलब टर्म्स अच्छे हो सकते हैं लेकिन उनसे तो सहयोग नहीं आ रहा है इसमें। तीसरे स्थान में यदि शनि है तो ऐसा शास्त्र कहता है कि बड़ा भाई होता नहीं है, होता है तो उससे सहयोग नहीं मिलता, बड़ी बहन हो सकती है। जी और शनि सिक्स हाउस को भी देखता है, तो कोई उनको नीच की या कोई पैरों रिलेटेड की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। शनि तो दीपा जी इसमें उसको नहीं देख रहा, यदि यहां से लेंगे तो शनि यहां देखेगा, ठीक है। एक दो तीन, शनि की तीसरी दृष्टि होती है, ठीक है, और अगर यहां से लेंगे तो शनि यहां देखेगा, ठीक है। और यदि क्योंकि इनके परिणाम चलित कुंडली के अनुसार नहीं आ रहे, जहां पे इनके ग्रह बैठे हुए हैं वहीं से देखने को मिल रहे हैं, तो शनि इसमें देखता है किसको, आपके पांचवें स्थान को, ठीक है, और साथ ही साथ शनि देखता है इनके नौवें स्थान को और शनि देखता है इनके बारहवें स्थान को, ठीक है। तो शनि की दृष्टियां पिछली बार लिखवाई थी, तीन, एक सेकेंड, को आपने शनि की लिखवाया था दृष्टि, रो रो के लिए शनि का सिक्स देखते हैं हाउस। हाँ, शनि से छठे में भी रोग देखे जाते हैं, ठीक है मैं ना, इसे देख रही ये थी। बोला। तो हाँ शनि जी, से छठा कौन सा बनता है? शनि से छठा बनता है आपका ये वाला स्थान। ये हाँ जी, ये वाला सिक्स हाउस, माय बैड, मैं वो सिक्स बोल रही थी, नाइन। अच्छा, राशि राशि बोल गए आप, बोलना भूल हाँ जी, हाँ चुके जी, हैं। वो हाँ जी, एट हाउस बोल रही थी मैं, माय बैड। देखिए वो जब तब देखना चाहिए जब आप पत्रिका के किसी विशेष निष्कर्ष पे जा रहे हो, तो उसमें देखा जाता है। अब आप बहुत गहरी व्याख्याओं में जाएंगे तो पहले छठा स्थान देखें, फिर शनि से छठा स्थान देखें, और फिर छठे स्थान के स्वामी से छठा स्थान देखें,
तो ये उसकी व्याख्या के बारे में आता है कि जब किसी विशेष घटना को देखना हो तब देखना चाहिए। मूलतः यहाँ पे शनि तीसरे स्थान में बैठा हुआ है और ये देख रहा है पांचवें स्थान को, और साथ ही साथ मंगल को भी पांचवें स्थान को देख रहा है। तो दो चीजों के बारे में ये संकेत देता है कि कहीं कोई उदर पीड़ा का अर्थ होता है स्टमक प्रॉब्लम या संतान पीड़ा या पितामह का औचक देहांत भी होता है या घटना भी होती है। उदर पीड़ा का अर्थ है इनको जरूरत से ज्यादा कुछ पेट से संबंधित रोग हो सकता है, मोर देन एसिडिटिक हो सकते हैं, कॉलिक पेन्स रह सकते हैं, एक बात। दूसरी दूसरी आती है संतान पीड़ा, संतान साथ में ना रहती हो, पढ़ने के लिए दूर रहती हो, घर से दूर जा चुकी हो। तीसरा आता है पितामह का अर्थात दादा, दादा के साथ अचानक से कोई घटना घटी हुई हो जीवन में, अचानक से ऑल ऑफ सडन उनकी डेथ हुई हो या कोई ऐसी समस्याएं देखने को मिली है, उसके कारण से पांचवें स्थान के ऊपर पड़ने वाला असर है जी। आप पूछ भी लीजिएगा, आपको नहीं समझ आए तो आप पूछ भी लीजिएगा, और बाकी लोग भी चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं फोर्थ हाउस पे कब जाती हूँ? फोर्थ हाउस में है मून, वो होता है मन और माँ का कारक। तो उन्होंने उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दादाजी को देखा ही नहीं था, इसका मतलब उनके होने से पहले ही ये सब कुछ हो चुका था। फोर्थ हाउस है, मॉम से अच्छी बनती होगी बिकॉज 16 डिग्री आ रहा है इधर, मगर शनि मुझे नहीं पता अगर शनि की दृष्टि इस पे अगर मैं देखूं तो शायद नहीं होगी, पर क्योंकि शनि थर्ड हाउस को देखता है तो उस हिसाब से देखो तो मून अच्छी डिग्री में तो माँ से अच्छी बनती होगी, केयरिंग नेचर होंगे मॉम की तरफ। सॉरी मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो रही हूँ। चंद्रमा 16 डिग्री का है तो 3 20 6 40 10 13 20 16 40, चंद्रमा 16 32 के हैं तो नवांश में ये हो जाएंगे हमारे पास 3 20 6 40 10 13 20 16 40, तो 5 नवांश करेंगे तो 5 का मतलब गया 1 2 3 4 5, तो वृषभ में ही होना चाहिए चंद्रमा। किसी ने प्रश्न पूछा था कि चंद्रमा नवांश में नहीं लिखा हुआ, तो चंद्रमा तो इसमें उच्च के हैं, वर्गोत्तम है। और इनको मॉम की कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है रिलेटेड मॉम के थ्रू, माँ की प्रॉपर्टी, उसके पीछे कोई खास कारण क्यों बोला आपने? क्योंकि चंद्रमा अच्छा है और मॉम से रिलेटेड है और सेकेंड हाउस भी देखता है फोर्थ हाउस को, तो इससे मैं देख रही हूँ। I don't know if that's true, नमिता जी। सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस को देखता है, कौन देखता है सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस को? मार्स मून को देखता है तो मार्स तो भैया यहाँ पे देखेंगे, मार्स तब यहाँ देखेंगे जब हम चलित कुंडली में इसको यहाँ लगाएंगे, फिर शनि को भी यहाँ लेके आएंगे, ठीक है ना? अभी बताया था कि इनके जो मेन मूल प्रभाव है वो केवल जिस स्थान में ग्रह बैठे हैं उसी से आ रहे हैं, बाहर से देखने में नहीं आ रहे हैं वो। तो इसमें चंद्रमा अकेले बैठे हुए हैं, छठे स्थान के स्वामी चौथे में बैठे हुए, ऐसा देखने को मिला है कि इनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो सकता है किसी और के पास ऑक्यूपाइड हो, प्रॉपर्टी इनकी होगी लेकिन उस पर रेंट पे या फिर उसके ऊपर किसी तरह का कोई कब्जा भी कह सकते हैं या रेंट के ऊपर भी हो सकता है, तो इन्होंने किसी को
ऑन कर रखी होगी कि आप इससे रेंट वगैरह दे सकते हैं मेरे को, और प्रॉपर्टी इनकी होगी, ये इसमें योग बनता है। रही बात मदर की, मदर के साथ इसमें जो चंद्रमा चौथे में बैठा है तो मातृत्व सुख तो देता है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन चौथे स्थान का जो स्वामी है वो अंशों में कम है, तो ये हो सकता है कि माता का सुख इनको मिला हो लेकिन बहुत समय तक उनके उनके साथ ये ना रह पाए हों, वो भौतिक स्थिति के कारण से होता है। तो वो मेरे को चैट बॉक्स में बता दें क्या इनकी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर किसी दूसरे की ऑक्यूपेंसी है या रेंट पे दे रखा है, तो वो मेरे को बता देंगे। और एक और बात थी, मैंने आई डोंट नो, मैंने हर्ड कि अगर मून अकेला होता है तो इंसान का तो नेटिव थोड़ा सा लोनली फील करता है अगर उसके साथ कोई प्लेनेट ना हो तो. मून अकेला हो तो लोनली फील करता है, आई हर्ड, आई एम नॉट, आई कुड बी रॉन्ग. प्रॉपर्टी तो कोई रेंट पे नहीं है, तो क्या कोई प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का कोई कब्जा तो नहीं है? ऐसी तो प्रॉपर्टी नहीं है कोई जो इनको मिलनी हो और मिल ना पाई हो किसी और के पास, उसकी उसके पास या इनकी प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं है? कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी विवाद में फंसी हुई हो? चंद्रमा अकेला हो तो ये आपने कहा लोनली फील करता है। हाँ जी, मैंने ऐसे सुना था, तो मेरे को ऐसे, इट्स माय क्वेश्चन टू, इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ जी, ये कह रही है कि किसी और ने प्रॉपर्टी ले ली, डिस्प्यूटेड थी. ये कॉम्बिनेशन समझ आया आपको क्यों बोला? नहीं. अभी आप बोल रहे थे ना चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा इसमें कौन है? सिक्स हाउस छठे को स्थान देख का? रहे हैं. नहीं, छठे स्थान का स्वामी है, तो छठे स्थान का स्वामी चौथे में चला गया है, इस कारण से बोला था। ओके जी. गॉट इट. फिफ्थ हाउस पे अगर जैसे आपने बताया कि शनि उसको देखता है और मार्स देखता है, तो स्टमक की प्रॉब्लम जो आपने बताई है, और संतान पे देखो तो हम यहाँ फिफ्थ हाउस से अगर फिफ्थ को देखें तो जुपिटर है, तो भाई, बड़ा भाई हो सकता है या कोई भाई हो सकता है. दोबारा बोलिए क्या कह रहे थे। भाई, बेटा हो सकता है. माय बैड, फिफ्थ से देखते तो संतान के लिए. हाँ, वो बुध है तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं? फिफ्थ में, फिफ्थ से फिफ्थ को देखते हैं तो जुपिटर दिख रहा है, तो ही कुड हैव अ सन. वैसे तो इसमें अगर देखा जाए तो दस, ये तो इधर खिसक गई, ये भी इधर खिसक गई, ये भी इधर खिसक गई।
कितने हैं आज तक के एक बोलो? एक सेकंड, एक तो एक ये तो बहु संतति कुंडली तो नहीं है, ये तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो बच्चों का चार्ट है, एक या दो बच्चे होना चाहिए, और वो भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सेम जेंडर होने चाहिए, या तो लड़के लड़के हो या लड़की लड़की हो, ये बताएंगे वो। सेम जेंडर का चार्ट आ रहा है ना, दो बिटिया हैं इनको। आई एक डोंट एक 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 चीज और मेरे को बताइए कि क्या लगता लगभग सोलह सत्रह साल की एज में कोई पिताजी को इनके, जब ये लगभग 16 या 17 साल के रहे होंगे, तो क्या इनके कोई पिता को कोई स्वास्थ्य समस्या हुई थी, या उनके साथ कोई कोई दिक्कत आई थी इनके फादर को, तो उनसे जरा जिनका ये चार्ट है उनको पूछ के बताइएगा। नहीं, ये जी किस लिए लिखा है, फादर को स्वास्थ्य समस्या का, अच्छा हार्ट अटैक आया था, ठीक है। एक जेंडर कैसे बताया वो सब बताएंगे, वो तो देखिए वो आप लोग सब पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग के बाद बताएंगे, जब रिकॉर्डिंग को ऑफ, ये आप ना प्रश्न अपने लिख लीजिएगा अपने पास में, वो सब यूट्यूब पे बताने की चीज नहीं है, तो इसलिए वो आपको बता देंगे जब कक्षा समाप्त होगी, तो क्यों ये बताया आपको, तो वो आप अपने उसमें लिख लीजिएगा। ये तो कुछ उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के लिए। तो ये जो है ना 16-17 वर्ष की आयु में पिता के लिए कुछ अच्छा नहीं था ये योग, तो इनको उन्होंने बताया कि इनके पिता को उस समय हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी। चलिए आगे चलिए, सिक्स हाउस पे जाते हैं आपके तो जो भी क्वेश्चन है ना, जो आपके वैसे क्वेश्चन है, उन सबको जब रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो उन सबको आपको एलोबरेट करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। जी सिक्स हाउस पे जाते हैं तो सिक्स हाउस जैसे मून देख रहा था उसको आपने बताया तो प्रॉपर्टी का कुछ उसमें प्रॉब्लम हुई है और प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के साथ तो समस्या देता है, लेकिन एक चीज इसमें अच्छी भी आती है कि जो मैटरनल साइड के लोग होंगे वो उनकी स्थिति, जो इनके माता पक्ष के जो लोग होंगे उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो संभ्रांत होने चाहिए, पैसे वाले होने चाहिए, सुदृढ़ होने चाहिए, ये सब देखने को मिला है उसमें। और जैसे आपने बताया था कि सन इस हाउस को भी देखता है तो ही कुड हैव अ प्रॉब्लम विद स्टमक और कोई स्टमक रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं डाइजेशन की। सिक्स हाउस में मुझे यही दिख रहा है और तो मुझे कुछ इतना दिख नहीं रहा, आई एम मिसिंग एनीथिंग। इसमें मेरे को नमिता जी एक चैट बॉक्स में बताइए, इनकी जो मदर हैं वो काफी इंटेलिजेंट लेडी हैं, या इनकी जो मदर हैं वो अपने परिवार में बड़ी हैं। अच्छा, परिवार में बड़ी होने के दो तरीके होते हैं, एक
और जिस घर में ब्याह के गई हूँ, ये मैं नेटिव की मदर की बात कर रहा हूँ, वो जिस घर में ब्याह के गई हूँ वहां पे सबसे बड़ी बहू बन जाए एक, या खुद ही वो अपने परिवार में ही सबसे बड़ी कन्या हो, या फिर वो हाईली एजुकेटेड हो, बड़ी बहू है उन्होंने बोला। एक एक प्रश्न पूछा है हमारे किसी मित्र ने हमारे क्लास में कि क्या ये जॉब करते हैं या कोई अपना काम करते हैं। इससे पहले वो चैट बॉक्स में उत्तर दें इसका, आप इसका प्रयास कीजिए कि ये क्या करते होंगे। सभी लोग चैट बॉक्स में बताएं कि ये क्या करते होंगे, आपको क्या लगता है, ये जॉब करते होंगे या फिर अपना काम करते होंगे। नेटिव जॉब करते होंगे या फिर नेटिव अपना काम करते होंगे, आपको क्या लगता है बताइए, चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। जॉब, एक पार्टिसिपेंट ने कहा जॉब करते होंगे, ठीक है, उसमें अगर हो सके तो रीजन भी लिख दीजिए, और सभी लोग लगाइए विचार कि क्या करते होंगे। और अगर ये जॉब करते होंगे तो ये किस तरह की जॉब करते होंगे, किस सेक्टर में, और यदि ये व्यापार करते होंगे तो व्यापार किस तरह का करते होंगे। दीपक जी ने कहा अपना प्रोफेशन करते होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों ने रीजन नहीं दिए। दीपक जी रीजन क्या है उसका लिख के दीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड एक और आया है उत्तर, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के क्या योग है इसमें, वो भी लिख के दीजिए इसमें। कोशिश कीजिए। दीपा जी आप बताइए, आपको क्या लगता है अपना वो करते होंगे, काम करते होंगे। जहां तक मुझे लगता है कि जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम है, मुझे वो लग रहा है क्योंकि केतु है और वो प्रोफेशन के हाउस को भी देखता है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है। एक जिन्होंने एक ने कहा था कि ये अपना काम करते होंगे, उन्होंने कहा क्योंकि दश में दशम स्थान का स्वामी दूसरे में है और ब्राइटर साइड में प्लैनेट है, इसलिए ब्राइटर साइड में प्लैनेट है इसलिए अपना काम करते होंगे, ठीक है। तो दो के ओपिनियन तो अपने काम के लिए आए हैं और एक का जो ओपिनियन है वो जॉब के लिए आता है। देखो उसके दो तीन तरीके होते हैं देखने के लिए। यदि तीसरे स्थान का स्वामी 11वें से संबंध बनाए तो व्यक्ति अपना काम करता है, 11वें का स्वामी तीसरे से संबंध बनाए तो व्यक्ति अपना काम करता है, सूर्य जन्म पत्रिका के अंदर प्रबल हो तो व्यक्ति अपना काम करता है, बृहस्पति जन्म पत्रिका के अंदर प्रबल हो तो व्यक्ति कई बार अपना काम करता है। और कुंडली में दो स्थान है, एक है प्रकाश स्थान और एक है अप्रकाश स्थान, ठीक है। तो लग्न से लेके और छठे स्थान तक, लग्न से लेके छठे स्थान तक, क्यों, क्योंकि सूर्य यहां से बली होते हैं, बदली होते हैं यहां जाके, फिर ये सारा हो गया प्रकाश स्थान, और सातवें से लेके दूसरे स्थान तक ये होता है प्रकाश स्थान। तो ये कहा गया है कि जितने अधिक ग्रह इधर हों तो
तो यदि हम इसमें देखते हैं तो लग्न में राहु है, राहु को ग्रह लेते नहीं है, सूर्य शुक्र दो तीन और चार, तो एक स्थान पे हुए चार ग्रह प्रकाश में, ठीक है। दूसरे स्थान पे हुआ एक दो तीन, तो दूसरे स्थान पे हुए तीन अप्रकाश में, तो इसका अर्थ हुआ प्रकाश में अधिक ग्रह हैं, तो ये अपना काम होना चाहिए, ठीक है। तीसरे स्थान का संबंध लग्न से कोई नहीं है, 11वें से कोई नहीं है, किंतु चलित कुंडली में तीसरे स्थान का स्वामी लग्न में आ जाता है, ये भी कुछ हद सीमा तक अपना काम बता रहा है। और लग्न में बैठा हुआ सबसे बड़ा है लग्न में बैठा हुआ राहु, ठीक है। ये भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से चलने वाला होता है, तो इसके दो अर्थ निकाल सकते हैं, एक जातक अपना काम करते हो, दूसरा यदि वो जॉब करते होंगे तो अपनी एक हैंड रेज कर रखा है, हैंड रेज मत करिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपने जो भी लिखना है, तो अपनी शर्तों पे या ठीक है, यदि वो अपना काम करते होंगे तो या तो अपने शर्तों पे करते होंगे और या फिर वो अपना काम करते होंगे, तो दो चीज देखने को मिल रही है इसमें। तो प्रश्न आया था, हमने ही पूछा था कि ये अपना काम करते हैं या ये वो करते हैं जॉब करते हैं, तो हमारे अनुसार जो निकल के आता है, पहली बात ये अपना काम करते होंगे, दूसरी बात यदि अपना काम नहीं करते होंगे तो ये अपने नियमों पे काम करते होंगे कि मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ, इतना सैलरी चाहिए, इतना कमीशन चाहिए, इसको कहते हैं अपने अपने नियमों पे काम करना। तो चैट बॉक्स के माध्यम से वो बता दें कि ये अपना काम करते हैं या ये जॉब करते हैं, और यदि जॉब करते हैं तो क्या अपनी शर्तों पे करते हैं। उन्होंने कहा ये अपना प्रोफेशन करते हैं, ठीक है। चीजें समझ आ गई आपको, जातक अपना काम करते होंगे या अपनी शर्तों पे काम करते होंगे। उन्होंने कहा अपना काम तो करते ही अपनी शर्तों पे भी करते हैं। किसी को भी कोई चीज नहीं समझ आया ना, वो चैट बॉक्स में डाल जरूर दीजिएगा। इसमें मैंने कारण क्या बताया था कि प्रकाश स्थान और अप्रकाश स्थान, तो हमने देखा कि प्रकाश स्थान में कितने ग्रह हैं, अप्रकाश में कितने ग्रह हैं, तो हमने देखा जो प्रकाश स्थान में संख्या अधिक आ गई। फिर क्या होते हैं जो उसमें भी कौन है, मंगल सूर्य और आपके बृहस्पति, ये सब जो ग्रह हैं ये इनके बारे में देखा जाता है, तो ये भी और ज्यादा बढ़ के आ गए। तो जो आए अंत में आया कि यदि ये अपना ही काम करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों की शर्तों पे नौकरी कर रहे होते हैं, जैसा कंपनी ने दे दिया वैसे ही लगातार करते जा रहे हैं, तो वो जो स्थिति है वो भी अपने काम के बारे में तो संकेत करती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताती है कि ऐसे लोग अधीन होके काम करते हैं किसी के, तो इस कारण से ये सब बताया गया था। दीपा जी आपको समझ आ रहा है? जी हाँ, पर एक बार दोबारा पूरा देखना पड़ेगा, वह हाँ ये रिकॉर्ड। जरूरी है, एक मैं सभी से आप लोगों से मेरा आग्रह है कि रिक्वेस्ट है
जैसे ही व्याख्यान लेक्चर कंप्लीट हो जाया करे तो उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग को देख के उसके पॉइंट्स नोट कर लिया करें कि क्या बनाया, कैसे बताया, एक एक जो तथ्य है वो आज बताया जा रहा है, कल हमारे दिमाग से भी निकल जाए, क्योंकि पराविद्या कभी बोलती है, कभी इससे चीजें निकल के जाती हैं, वो कुछ नहीं पता। जी आगे बोलिए। 7th हाउस में केतु है, तो ये पार्टनर लाइफ पार्टनर का भी होता है, तो इनकी वाइफ थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी। आपके पीछे से भी केतु के लक्षण आ रहे हैं। जी जी 7वें स्थान में बैठा हुआ केतु दो तीन तरह की चीजें देता है। कभी कभी ये तो ये भी देखा गया है, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी देता है। ऐसे लोगों को पानी थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए, मतलब जितना बताया है उससे 1 ग्लास ज्यादा पी लें या अपने डॉक्टर की सलाह से पिए, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि स्टोन की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मूलतः महिलाओं में होता है यूटीआई, लेकिन पुरुषों में भी देखा गया है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि 7वें स्थान में केतु बैठा हो तो ये भी देखा गया है कि इनके पास विवाह के जो प्रस्ताव होते हैं वो 3 आते हैं, जिसमें से 2 विवाह प्रस्ताव जो है ना नहीं बन पाते और तीसरे में जाके इनका विवाह हो जाता है। अर्थात हो सकता है कभी जब स्कूल के भीतर या कॉलेज के भीतर जब शिक्षा ग्रहण करी हो तो कोई इनको इनको कोई अच्छे लगते हो या किसी को ये बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन अंत में जाके ये कहते हैं कि 2 विवाह प्रस्ताव केवल आके रह जाते हैं और अंत में तीसरा विवाह प्रस्ताव विवाह में बदलता है, ऐसा देखा गया। साथ ही ये भी देखते हैं कि यदि केतु पाप प्रभाव में हो तो पाप प्रभाव में अच्छी बात ये कि केतु यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, केतु सिंह राशि में बैठा हुआ है और केतु जो है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो जिसके स्वामी हुए शुक्र, और शुक्र इसमें 12वें स्थान में और 11वें स्थान में दृश्य हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब ना केवल ये अपितु इनके जीवन साथी भी किसी ना किसी प्रकार से धन उपार्जन में, व्यवसाय में, जीवन में साथ देते हैं। 7वां स्थान कई स्थानों पे कहा गया, यात्रा का और विदेश का भी कहा गया, 12वें स्थान से भी देखते हैं, 9वें से भी और 7वें से भी, वहां केतु होना ऐसा संकेत देता है कि ये कुछ ऐसी स्थानों में गए हों जहाँ पे जिस देश में इनका जन्म हुआ है उससे विरुद्ध पूजा उपासना पद्धति मान्यताएं देखने को मिली है। तो ये 2 चीजें जैसे बता रहा है 7वें स्थान में केतु, पहला क्या आया कि विवाह प्रस्ताव अधिक आते हैं, तो 2 प्रस्ताव होके रह जाते हैं, तीसरे में विवाह हो जाता है, उसको कैसे भी उसकी व्याख्या की जा सकती है। दूसरा, व्यक्ति ऐसे स्थान में जाके काम करे जो जहाँ पे अपने से भिन्न आस्था प्रचलन में हो, अर्थात मैं यदि भगवान श्री राम को मानता हूं तो जिस स्थान में जाके मैं काम करूं वहां पे कोई दूसरी पद्धति को मानने वाले लोग हो। तीसरा, केतु जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के भीतर है तो ये संकेत देता है शुक्र के बारे में, तो शुक्र 12वें स्थान में है और चलित कुंडली में 11वें स्थान में है, तो एक प्रकार से जीवन साथी के माध्यम से आजीविका, आय, इन सब की भी प्राप्ति दिखाई देती है। हाँ, एक चीज इसके बारे में अच्छी प्रतीत होती है कि इनका जो परिधान है, इनका जो ड्रेसिंग सेंस है, जो पोशाक पहनने की कला है, 2 चीजें देखने को मिली है, तो व्यक्ति अपनी पोशाक के कारण से जाना जाता है, ड्रेस के कारण से, या ये भी देखने को मिला है कि इनका जो ड्रेस कोड ही इनके जॉब में काम आता है, वो चैट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे कि इनकी ड्रेसिंग सेंस कुछ अलग ही है या फिर ये अपनी किसी खास पोशाक के कारण से, जैसे पोशाक जो होती है नॉर्मली वो तो इन्होंने पीछे बता ही दिया कि भाई ये अपना काम करते हैं, तो जैसे चिकित्सकों की अपनी पोशाक होती है, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की एक पोशाक होती है, 12वें स्थान से 7वें का जब भी संबंध बनता है व्यक्ति अपनी पोशाक के कारण से जाना जाता है, वस्त्र व्यापारी कहा है इसको, ऐसा देखने को मिला।
जी आप क्या कह रहे थे सातवें स्थान में केतु के बारे में बताइए। और सर एक राहु और केतु जो आपने सब बताया था कि ऑपोजिट उसमें रहते हैं, जैसे कि प्रोफेशन डिफरेंट होता है, जब मैरिज के लिए होते हैं तो प्रोफेशन, जैसे एक डॉक्टर है तो एक लॉयर है, तो थोड़ा सा अलग होगा इन दोनों की प्रोफेशन। और केतु का ड्रेस के लिए बताया है, तो आपने तो जो केतु के होते हैं यूजली उनका ड्रेसिंग ऐसे ही होता है कि दे नोन फॉर देयर ड्रेस, द हाउ दे केतु का नहीं ड्रेस। बताया भैया, गलत पकड़ रहे हो आप। केतु कौन से में है? 19 अंशों पे है, तो 19 अंशों का अर्थ ये हुआ ये पूर्व फाल्गुनी में है। ठीक है, पूर्व फाल्गुनी के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र जन्मपत्री में बैठे हैं 12वें स्थान में। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया कि 5वें का संबंध सीधा प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 12वें स्थान से बन रहा है। एक दूसरी बात, खिसक के वो 11वें में भी जा रहा है। तो यहां से दो संकेत बनते हैं कि शुक्र यदि 12वें में है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति विशेष वस्त्र पहनता है। दूसरी बात, यदि शुक्र 11वें में है तो ऐसा व्यक्ति जीवन साथी के माध्यम से भी धन प्राप्त करता है, अर्थात ये खुद भी काम करते होंगे और इनका जीवन साथी भी काम करता होगा। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है, इसका जो प्रभाव है, शुक्र का दो स्थानों पर पड़ रहा है। व्याख्या हम केतु की कर रहे हैं। केतु जिस नक्षत्र के अधीन है, अभी जो अगली कक्षा होगी उसमें नक्षत्रों के ऊपर ही आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे, तो उसके कारण से बोला कि उन्होंने बोला कि जो जीवन साथी है वो भी वर्किंग में है। ठीक है, ओके अब आते हैं 8th हाउस पे। तो 8th हाउस दृष्टि वो सन को भी देखता है, 12th हाउस को भी देखता है, एट तो हाउस पे आते हैं तो हमारे पास आ गया बुध। तो एट्थ के बारे में आपने क्या बोला? उसका स्वामी है बुध, और वो देखता है 12th हाउस को भी, तो बच्चे ये हाउस 12th को कहाँ से देखता है? वो तो 11वें में बैठा हुआ है, तो 12वें को कहाँ से देखेगा पहले बताओ। आपने कहा 8वें का जो स्वामी है वो बुद्ध जी। है और वो 11वें में बैठा हुआ है, तो यदि वो 11वें में बैठा हुआ है तो 12वें को कहाँ से देखेगा? वो तो 5वें को देखेगा। ओके गॉट इट, सॉरी। ओके इस हाउस को शनि देखता है, इज दैट राइट, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर भी आती है। नहीं एट्थ को तो शनि नहीं देख रहे। देख रहे, क्योंकि 6th, अगर मैं इसको यहाँ शनि की 6th उस पे छठी दृष्टि अगर जाती है तो शनि शनि की दृष्टि तो 7वें 9वें स्थान पे है, शनि की दृष्टि 5वें स्थान पे है। शनि से 6 नहीं, रोग के लिए नहीं देखते। वो अभी मैंने बताया ना, वो विशेष व्याख्याओं में आएगा, जब हम स्पेशल इंटरप्रिटेशन करेंगे तब, जब बीमारी ढूंढनी है तो देखते हैं, शनि शनि से छठा, छठे से छठा, तब देखते हैं। मुझे अभी इस 8th हाउस के लिए कुछ अभी नहीं नॉलेज है। नमिता जी, इसमें एक मेरे को एक बात बताइए, इनकी इनके परिवार में किसी को कोई फैटल एक्सीडेंट हुआ या कोई कोई कैंसर या लिवर सिरोसिस जैसी चीज हुई इनके फैमिली के भीतर, अगर पता हो तो आपको?
जो शुरू में नहीं पता लग रही लेकिन ऐसा लगता हो सकती है। इनके फादर को लंग कैंसर हुआ था। अच्छा चलो दीपा जी आगे चलो, छठे स्थान को। ओके, सेवेंथ में आता है जुपिटर, तो इसका स्वामी है शुक्र, और ये हाउस होता है पिता का, तो और ट्रैवलिंग का भी होता है, तो यदि मैं यहाँ से, मुझे बिल्कुल अभी इसकी नॉलेज नहीं है, मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूँ? इसका दोबारा बोलो क्या बोला है। स्वामी है शुक्र, और यहाँ पर जुपिटर है, और ये फादर का हाउस होता है, तो फादर एंड एक एक सेकंड, एक एक मेरे को एक बात और बताइए नमिता जी, चैट बॉक्स से। इनका कोई पैसा भी किसी ने मार लिया था, या जो है मतलब इन्होंने किसी गुड फेथ में दिया हो पैसा, और वो किसी ने मार लिया हो, या इनको कोई, इनको कभी कोई बड़ी हैवी टैक्स पेनल्टी पड़ी थी, या तो किसी को गुड फेथ में पैसा दिया और उसने रिटर्न ही ना किया हो, या कई बार ये भी देखते हैं कि घर में चोरी भी हो जाती है इस तरीके के योगों में, या फिर जो ना हैवी टैक्स पेनल्टी पड़ती है। तो देखिएगा जरा अगर आपको कुछ आइडिया हो तो। उसके लिए तो उन्होंने मना किया है कि वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, उसका तो खतरा तो है इसमें। नौवें स्थान को क्या बोल रहे थे दीपा जी आप? मुझे मुझे जुपिटर है, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर या तो फादर एंड सन की अच्छी अच्छी होगी, या कुछ उनसे प्रॉपर्टी कुछ होगी, जुपिटर है, या मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें नौवें क्या स्थान होगा। में, नौवें स्थान में बृहस्पति होना एक अच्छा योग होता है। ये रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड बताता है। फादर थोड़े से प्रिंसिपल्ड होते हैं, व्यक्ति खुद रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड होता है। नौवें स्थान में बृहस्पति तो अच्छा होता है। प्रोफेश 10th हाउस में जाते हैं, प्रोफेशन का जो ऑलरेडी बता दिए कि ये ऑलरेडी अपना इनका काम है। दो तीन तरह के काम आते हैं इनके। पहले तो जो है ना लिक्विड आइटम से रिलेटेड काम आता है, दूसरा जिस काम में डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व हो वो काम देखने को मिले इनके, जिसमें सीधा पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम होते हैं, और केमिकल्स से रिलेटेड काम देखने को मिले हैं, ये सब चीजें देखने को मिली हैं इनके उसमें। केमिकल्स आपने वो मून को देख के कहा है, या केमिकल्स आपने किस से कहा है, वो समझना है। पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम है ये इनका। पिछली क्लास में नहीं बताया था, पिछले व्याख्यान में नहीं बताया था कि दशम स्थान का जो स्वामी है नवांश में,
जिस राशि में होता उससे संबंधित कार्य देखने को मिले हैं। ठीक है, अब ये देखें कि इसमें दशम स्थान के स्वामी है मंगल, और मंगल है नवांश में कर्क राशि में, और कर्क राशि जो होती है वो जलीय काम, तो लिक्विड से संबंधित काम बताया, और कर्क राशि जो होती है नेचुरल जोड़ियक की चौथी राशि है, तो कहीं ना कहीं ऐसे काम जो कि व्यक्ति पब्लिक से, जनता से जुड़े हुए काम होते हैं, जिसमें पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है, उसको करते हैं। जी ग्यारहवें स्थान के बारे में बोलिए, बृहस्पति। 11वें स्थान का स्वामी बृहस्पति है, और मरकरी इसमें है तो स्मार्ट होंगे, बोलने के लिए भी अच्छी तरह बोलने में होंगे और एजुकेटेड होंगे काफी। ग्यारहवें और स्थान में मरकरी देखने से एक और भी चीज देखने को मिलती है, इनकी जो इनकम होती है वो बड़ी जल्दी एज में शुरू हो जाती है, कि जो इनकम होती है वो बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, ग्यारहवें स्थान में यदि बुध है तो भी सोर्सेज ऑफ इनकम बताता है, तो बुध जो है वो ज्योतिष का कारक है, अकाउंट का कारक है, मैथमेटिक्स का कारक है, कमीशन का कारक है। ऐसे व्यक्ति का जो आय के साधन होंगे वो कमीशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, अकाउंट से संबंधित हो सकते हैं, तो वो ग्यारहवें स्थान के बारे में बताया गया है। लेकिन साथ ही ये भी देखा गया है कि ग्यारहवें स्थान में बुध होने से, और एस्पेक्टेड बाय तो ये कुछ नहीं है। अच्छा अभी इनका 1970 का जन्म है, तो ये तो उन अभी बच्चे कोई बहुत बड़े नहीं होंगे। ग्यारहवें स्थान में बुध होने से हम एक व्याख्या और भी कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके लिए विवाह प्रस्ताव अपने आप ही आ जाएगा, इनको बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अभी क्योंकि बच्चे इतने बड़े नहीं है ना, तो बिटिया इतनी बड़ी नहीं है आगे चल के बच्चों के लिए। ना उन्होंने बताई स्टार्टिंग अर्निंग एट द एज ऑफ 19, 19 वर्ष की आयु से उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था, तो ये जल्दी आय के स्रोत्र देता है, और वो एक अकाउंट से संबंधित काम करते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने बताया। तो ग्यारहवें स्थान में जो बुध है उसके कारण से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, 12वें स्थान को बोलिए, फिर इस कुंडली को ट्वेल्थ कंप्लीट करते हैं। हाउस का स्वामी है शनि, और उसमें है सन एंड वीनस। ये दिस हाउस नोन फॉर ट्रैवलिंग एंड रोग और हॉस्पिटलाइजेशन का भी कारण होता है। तो सन कंसिडर एज ए ट्रैवलिंग टू, जो अपने लैंड से बाहर जाके सेटल करने के लिए, और वीनस है तो 12वें स्थान में जो शुक्र होता है ना, वो तो कई बार बाहर ले जाता है। 12वें स्थान में सूर्य होने से व्यक्ति कोई बाहर नहीं जाता। हाँ ये जरूर है, 12वें स्थान में सूर्य होने से, ये तो मैंने बहुत जन्म कुंडलियों के भीतर देखा है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म स्थान जरूर छूट जाता है। मान लीजिए दिल्ली का जन्म है तो व्यक्ति दूसरे राज्य में चला जाएगा, दूसरे राज्य का जन्म है तो तीसरे राज्य में चला जाएगा। लेकिन ये विदेश में ले जाए, इसके लिए
अपने आप में 12वें स्थान का भी कोई ना कोई संबंध होना चाहिए किसी तरीके से, तब जाके बनता है ये। 12वें स्थान में सूर्य से नहीं आता, 12वें स्थान में शुक्र से एक बार को आता है। ये देखने को मिला है कि ऐसा व्यक्ति कम से भी कम तो तीन भाषाओं को का ज्ञाता होता है, मतलब उसको तीन, कम से कम बोल रहा हूं मैं आपको, तीन भाषाओं का ज्ञान होता है यदि 12वें स्थान में शुक्र हो तो। एक उसकी जो जन्म भाषा है, एक वो जिस क्षेत्र में जाके रहता है वो भाषा, और एक और, तो कम से कम तीन भाषाओं का तो ज्ञान होता है इसको। तो बताएं उनको तीन का ज्ञान है या ज्यादा का ज्ञान है। अगर 12th हाउस में सन हो तो लाइक पर नेटिव ट्रैवल ट्रैवल अ लॉट टू। 12वें स्थान में सूर्य होने से व्यक्ति अपने जन्म स्थान से अलग चला जाता है। इसमें ये नहीं देखने को मिला कि वो विदेश में जाता है। विदेश में जाने के लिए चौथे स्थान का